क्वेश्चन है, एक तोप से एक गोला क्षैतिज से 30 कोण पर फेंका जाता है। अब क्षैतिज से कितने कोण पर फेंका जा रहा? क्षैतिज क्या होता, ए वाला होता कि ए वाला? हाँ, तो क्षैतिज से कितने कोण पर है? 30 कोण पर है। जैसे एक तोप है, ठीक है, तोप से एक गोला क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर फेंका जा रहा है, ठीक है। आगे वो बोल रहे हैं कि जो 3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर गिरता है। अब जो यहां से फेंका जा रहा है, ठीक है, अब यहां से गिरेगा कितने किलोमीटर की दूरी पर? 3 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि किसका मान, आर का मान कितना है? 3 किलोमीटर, ठीक है। यहां से फेंका जा रहा तोप से गोला और कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी पर गिर रहा है, यानी कि जो हमारी आर क्या होती, क्षैतिज परास, वो कितनी हो गई? अच्छा, क्षैतिज परास होती यार, क्या लिखवाया था हमने, तो क्षैतिज परास क्या हो गई? 3 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे इन्होंने क्या बोला है कि इसका अधिकतम क्षैतिज परास क्या होगा? इसका अधिकतम क्षैतिज परास हमें ज्ञात करना है, आर मैक्सिमम ज्ञात करना है, ठीक है, आर उन्होंने दी है। और ये बोल रहे हैं कि बताइए कि क्या गोले को प्रक्षेप कोण बदलकर 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, ये इस कोण को हम चेंज करके 5 किलोमीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं, ये हमें बताना है। इसे बताने के लिए हम आर मैक्सिमम ज्ञात करेंगे। आर मैक्सिमम मिलने पर, यानी कि अधिकतम क्षैतिज परास मिलने पर, आर मैक्सिमम का मान यदि 5 किलोमीटर से ज्यादा आता है तो ठीक है, हम 5 किलोमीटर दूरी तक हम फेंक सकते हैं तोप से, नहीं तो हम तोप से 5 किलोमीटर दूरी तक गोला नहीं फेंक सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले तो कोण किया क्या दिया है हमें, 30 अंश, और आर का मान क्या है, 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना, कितने से गुणा करोगे, 1000 से। 3 किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 मीटर। अब आर का मान है हमारे पास और कोण का मान है, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा सॉल्व, इतना आया समझ में? अब क्षैतिज परास हमारे पास क्या होती है, आर बराबर साइन 2θ अपॉन जी, ये क्या होती है हमारे पास, क्षैतिज परास होती। अब क्षैतिज परास हमारे पास क्या है, 3000। यू स्क्वायर हमारे पास है नहीं अभी, साइन 2θ, 2θ यानी 30 अंश, ठीक है, अपॉन जी आ जाएगा। अब 3000 बराबर यू स्क्वायर साइन 30 का 2 में गुणा करोगे, 60 अंश आ जाएगा अपॉन जी। अब जो साइन 60 है, देखो ये 60 लिखा है, साइन 60 है वो हम इसके नीचे ले आएंगे, 3000 अपॉन साइन 60 अंश यू स्क्वायर अपॉन जी। अब साइन 60 अंश का मान क्या होता बताओ, साइन 60 अंश का मान क्या होता, साइन 60 इक्वल टू होता है √3/2, ये कर्णी 3/2, ठीक है, लिख लो इसको अच्छे। और पूरे बिल्कुल कोण होने चाहिए, साइन 0/0, साइन 30/1/2, साइन 45/1/2, साइन 60/2, 3/2, साइन 90/1, ऐसे ही कॉस का उल्टा कर दो, कॉस 0/1, कॉस 30/1/2, 3/2, कॉस 45/1/2, कोण 60/, ऐसे सभी कोण बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आपके ऐसे ही होंगे सॉल्व, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, साइन 60 का मान क्या होता, कर्णी 3/2, तो अब इसको इस साइड लिख दो, यू स्क्वायर अपॉन जी बराबर 3000/, साइन 60 क्या है, कर्णी 3/2, अब बटे में 2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 3000 बराबर क्या, 3000/2 अपॉन कर्णी 3, ये हो जाएगा कितना, 6000 कर्णी 3। अब कर्णी 3 का मान क्या होता, 1.732, हाँ, तो कर्णी 3 का मान क्या होता है, तो यहां पर आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, 6000
1.732। अभी आगे जाता है, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? इसका आ जाएगा 3464 मीटर। 3464 मीटर हमारा क्या आ गया? यू स्क्वायर अपॉन जी। अब हमें क्या निकालना? आर मैक्सिमम निकालना। आर मैक्सिमम क्या होता बताओ? अधिकतम क्षैतिज परास होती है, अधिकतम क्षैतिज परास आर मैक्सिमम बराबर होती है यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, तो अधिकतम क्षैतिज परास आर मैक्सिमम क्या हो जाएगी? U स्क्वायर अपॉन जी का मान कितना निकाला? 3464 मीटर। यानी कि जो एक तोप थी, यहाँ से हमने 30 मीट अंश के कोण पर हमने फेंका था तोप को, 30 अंश के कोण पर हमने गोले को फेंका था 3 किलोमीटर दूर। अब इन्होंने बोला कि अधिकतम जो दूरी है 5 किलोमीटर क्या हो सकती है? तो अधिकतम दूरी इसकी 3464 मीटर हो सकती है, 3464 मीटर से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक कर रहे हैं अपन, नहीं सही है। ठीक है, अधिकतम क्या हो सकती? 3464। इन्होंने बोला कि क्या 5 किलोमीटर हो सकती, तो हम लिखेंगे नहीं, जो आर की अधिकतम दूरी है क्षैतिज परास, अधिकतम क्षैतिज परास मीटर यानी कि 5 किलोमीटर नहीं हो सकती उसकी, क्योंकि कितनी है हमारे पास? आर मैक्सिमम 3464 मीटर। ए हमारा क्वेश्चन हो जाएगा।